हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और स्वागत है आप सबका पबजी मैन पाकिस्तान चैलेंज के इंटरव्यू सेशंस के अंदर। देखिए, टीम को चैंपियन बनने के लिए एक चैंपियनशिप मेंटालिटी चाहिए होती है, और अगर मेंटालिटीज की बात करें तो इस साइड से बेहतरीन कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इस टीम ने पीएमसीयू में तहलका मचाया था, पीएमपीएल में अपना नाम किया था, और अब यहां पर आए हैं पबजी मैन पाकिस्तान चैलेंज के अंदर अपना नाम वापस से बनाने के लिए। इन प्लेयर्स से हम जानेंगे, बात करेंगे कि इनके क्या अच्छे चल रहे हैं, किस तरीके से अपने बुरे को कोप अप कर रहे हैं और किस तरीके से ये चैंपियंस बनना चाहते हैं। सो गाइस, बिफोर वी जस्ट बिगिन अप विद एवरीथिंग, व्हाट गाइस जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। हेलो गाइस, माय नेम इज अब्दुल्ला मूसा। My in-game name is Syed Saboud. I play as Nigel in the game for the team. Hello, my name is Adil Youssef and my in-game name is Syed Ghost and I play support role in my team. Hi, my name is Mohammed Mashuk Ali. My in-game name is Syed Razor and my in-game role is filter and fragger. My name is Yasser Issa. My in-game role is anti-fragger. My in-game name is Syed Scobia. So, काफी बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने अपने रोल्स तो यहाँ पर बताई दिए, लेकिन मैं गोस्ट आपके ऊपर आना चाहूंगा। ये सवाल पहले भी किया जा चुका है कि साइट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि फॉर्मेशन से लेकर के अब तक आपके प्लेयर्स की मेंटालिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। यार, शुरू से ही मेरे टीममेट्स को एक ही चीज तक साथ में हमें चैंपियन होना, इसलिए आज तक हमने जैसे टीम बनाई वही टीम है आज तक। शुरू से एक ही टीम रखी है तो सिनर्जी कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, और एज एन इंडिविजुअल सब अपना बहुत ज़्यादा ग्राइंड करते हैं, सब अपना गेम, अपने ट्रेनिंग को टाइम, हर चीज़ देते हैं, तो सब अगर साथ में अपने इंडिविजुअल भी खेले और ऐसे टीम भी हम बहुत टाइम दे गेम को, तो एट द एंड गेम अच्छा हो जाता है। तो मेंटेलिटी मेरी टीम की शुरू से बहुत अच्छी है, सबको सबकी एक ही मेंटेलिटी है हमें जीतने पर। अबूद, मेरा अगला सवाल आपके लिए रहने वाला है, जिस तरीके से ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं मेंटेलिटी टीम की बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पर PUBG Mobile पाकिस्तान चैलेंज के अंदर जो जो टीम्स आई हैं उनकी मेंटालिटीज भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन निकल करके आ रही है, तो आप कंपटीशन को किस तरीके से देखते हैं इस वाले? यार, मोस्टली हम यही टीम के अगेंस्ट मतलब स्क्रिम्स खेलते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले कोई मैच होता है या कुछ भी होता है, हम वो टीम्स को थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। ओके, हम मतलब जानते हैं मोस्टली पाकिस्तानी टीम्स कैसे खेलते हैं, उनका गेम प्ले स्टाइल क्या है, तो हम उस बेस पे मतलब अपना रोटेशन एडजस्ट करते हैं। और मतलब जब तुम टीम्स को स्टडीज करते हो तो वो टीम्स को बीट करना, उनके अगेंस्ट कम्पीट करना ईजी हो जाते हैं। ऐसे हम स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं, हम लोग साथ में डिस्कशन करते हैं कहाँ पे हम मतलब एक ड्रॉप लोकेशन भी हम नहीं चूज करते, हम डिफरेंट ड्रॉप लोकेशन में जाते हैं, फार्म ड्रॉप लोकेशन, कभी यसनाया, तो इस तरह से ईजी होता है हमारे लिए। रजूर, मेरा अगला सवाल आपके लिए रहने वाला है, जिस तरीके से ऑब्वियसली ड्रॉप लोकेशन की बात करी, ये सब चीज़ों की बात करी, तो आपको क्या लगता है आपकी टीम में ऐसा क्या खास है जो बाकी कॉम्पिटिशन से आप लोगों को अलग रखता है? मेरे ख्याल में तो हमारी डिसीजन मेकिंग भी अभी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब भी कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं, आईजीएल अबूद है, पर मैं, गोस्ट और हमारा तीसरा प्लेयर, हम बहुत से सपोर्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इस हिसाब से कि जोन में कैसे लेना है, कौन सी फाइट लेनी है, क्या करना है, ये सब चीजें हम साथ में ही डिस्कस करके बताते हैं, इसमें हम काफी अच्छे हो चुके हैं। गोश, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे हम बाकी टीम्स को देखते हैं, कोई टीम स्क्रिम्स में प्रैक्टिस करती है, कोई टीम अपने लाइक कस्टम्स अलग से खेलते हैं उसमें प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो यहाँ पर अच्छा खेल सकें, आपकी टीम का प्रैक्टिस शेड्यूल क्या रहता है, आप कितना घंटा इकट्ठे प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद इंडिविजुअल प्रैक्टिस वगैरह भी होती है जो आप खुद में ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहे हो वगैरह, तो कैसे रहता है पूरा प्रैक्टिस शेड्यूल? तो हम सुबह उठ के स्टार्ट अपना डे अपने इंडिविजुअल प्रैक्टिस से करते हैं, एटलीस्ट एक आवर करते हैं सब, मतलब अपना उससे भी ज्यादा भी कर लेते अगर टाइम हो, फिर उसके बाद हम 4-5 बजे से स्क्रीन शुरू करते हैं, रात के 12-1 बजे तक कंटिन्यू स्क्रीन बंद नहीं होते, मतलब अगर दिन में हम लोग 7-8 घंटे से ऊपर खेलते हैं साथ में। तो फिर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, अगर कोई वर्ड्स ऑफ विजडम आप इस कम्युनिटी को देना चाहें, अपने फैंस को, अपने सपोर्टर्स को, पूरी आवाम को अगर आप कुछ बोलना चाहें तो वो क्या रहेगा? वर्ल्ड लीग में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, उधर लेके उधर तक जाना है, उधर परफॉर्म करने, तब हमारा मिशन कंप्लीट होगा हर दूसरे मुल्क के तरह। नए कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स के लिए यही है कि ग्राइंड करते रहो, टाइम आएगा सबका, फेयर खेलो, अपना अपना मेहनत करो, ग्राइंड करो, आ जाता है टाइम, मसला नहीं है, किसी ना किसी दिन जीत जाओगे। यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जैसे अभी PMPCI आया, आगे और इवेंट्स आएंगे, तो किसी ना किसी इवेंट में एक टीम शाइन कर जाती है, तो अपना ग्राइंड कंटिन्यू रखो और बाकी सपोर्टर्स के लिए सपोर्ट करते रहो, बस इंशाल्लाह वर्ल्ड लीग एक दिन। काफी बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने
काफी सारी बातें बताई, काफी चीजें आपसे भी जानने को मिली है, एंड जो एक चैंपियंस मेंटालिटी होती है वो पूरी यहाँ पर झलकती है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट आपके सारे फ्यूचर इंडिवर्स के लिए। इंशाल्लाह आप लोग इस टूर्नामेंट के अंदर भी काफी ज्यादा आगे जाने ही वाले हैं, फाइनल तक तो पहुंच चुके हैं, बस ट्रॉफी से एक कदम दूर है। सो ऑल द बेस्ट।